नमस्कार, बोल किला बाजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा और आज बोल में हम इन दो मुद्दों की चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दा नंबर एक, क्या भारत सरकार इसराइली गुप्तचरी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए अपने नागरिकों की व्हाट्सएप पर जासूसी करवा रही थी? यानी कि व्हाट्सएप पर वो जिस भी तरह की बातचीत कर रहे थे, क्या उस पर निगरानी भारत सरकार की थी? मुद्दा नंबर दो, ये बहुत अहम महीना है। जी हां, पहली नवंबर से जो महीना शुरू हो रहा है, 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिस और उम्मीद की जा रही है कि राम मंदिर पर फैसला आ जाएगा। मगर आज जिस मुद्दे की हम चर्चा करने जा रहे हैं बोल में, वो ये कि फैसला चाहे जो भी आए, मंदिर के पक्ष में या मंदिर के खिलाफ, दोनों ही सूरतों में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक फायदा। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल किलब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। लेकिन आगाज हम करना चाहेंगे कि क्या भारत सरकार अपने नागरिकों की जासूसी या उनके व्हाट्सएप फोन्स की कॉन्वर्जेशंस बातचीत पर निगाह रखे हुए थे। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक खबर है। खतरनाक खबर इसलिए है क्योंकि आपको याद करना होगा इस शख्स को। इसका नाम है जमाल खशोगी। ये सऊदी अरब का एक पत्रकार था और इसे तुर्की में सऊदी अरब के ही दूतावास में बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया था। मगर उसकी मौत से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके एक एक कदम पर सऊदी अरब सरकार की निगाह थी। वो कहां जा रहा है, किससे बात कर रहा है और जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक इसराइली स्पाईवेयर पेगासस जो है, उसके जरिए सऊदी अरब सरकार ने उस पर निगाह रखी हुई थी। और पेगासस जो कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी कि एनएसओ, इसराइली कंपनी एनएसओ पेगासस की सेवाएं प्रोवाइड करती है। जैसे ही जमाल खशोगी की हत्या हुई थी, उसके बाद उन्होंने सऊदी अरब के साथ अपना करार खत्म कर दिया। आज हम ये चर्चा आपके साथ क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगलवार को अमेरिका की एक अदालत में, सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका की अदालत में, व्हाट्सएप ने यह आरोप लगाया है कि इसराइली एनएसओ ग्रुप ने करीब 1400 व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोग थे, उन्हें पेगासस के जरिए टारगेट किया था। अब इन 1400 लोगों में कौन है लोग? इन 1400 लोगों में पत्रकार थे, दलित कार्यकर्ता थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि फेसबुक ओन्ड प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप इन अ स्टार्टलिंग रेवलेशन हैज सेड journalists and human rights activists in India have been targets of surveillance by operators using Israeli spyware Pegasus. इस्तेमाल किया गया Pegasus का। मगर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा, क्या भारत सरकार इसराइली गुप्तचरी सॉफ्टवेयर Pegasus के जरिए अपने नागरिकों की WhatsApp पर जासूसी करवा रही थी? मैंने भारत सरकार का नाम क्यों लिया, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि भारत सरकार ऐसा करवा रही थी। क्योंकि एनएसओ, ये जो इसराइली कंपनी है ना दोस्तों, वो ये स्पाईवेयर सिर्फ सरकारों को मुहैया कराती है। जी हां, तो बेशक इंडियन एक्सप्रेस अपनी इस रिपोर्ट में कुछ ना कह रही हो, मगर हकीकत यह है दोस्तों कि यहां पर उंगली सीधे भारत सरकार पर उठ रही है। मगर आप लोगों में से कई लोग यह जानना चाहेंगे कि पेगासस के जरिए आपके व्हाट्सएप की जानकारी कैसे सरकार को पता चल रही थी। तो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा जो पेगासस का तरीका होता है। पेगासस का तरीका, टू मॉनिटर अ टारगेट, अ पेगासस ऑपरेटर मस्ट कन्विंस अ टारगेट टू क्लिक ऑन अ स्पेशली क्राफ्टेड एक्सप्लॉइट लिंक व्हिच अलाउज द ऑपरेटर टू पेनिट्रेट सिक्योरिटी फीचर्स ऑन द फोन एंड इंस्टॉल्स पेगासस विदाउट द यूजर्स नॉलेज और परमिशन। यानी कि सबसे पहले क्या करना होता है कि जो पेगासस का ऑपरेटर है, उसे किसी तरह से, जिसको वो निशाना बना रहा है, उसे एक लिंक पर, अपने मोबाइल के लिंक पर क्लिक करवाना होगा। और जैसे ही इस मोबाइल पे क्लिक होता है,
जो मोबाइल धारक है उसे पता ही नहीं चलता कि किस तरह से उसका फोन अब पूरी तरह से एक खास एजेंसी के कब्जे में आ गया है। यानी कि आप किसको क्या व्हाट्सएप कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर आप क्या बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ सुनाई दे रहा है। यही नहीं दोस्तों, आपके व्हाट्सएप पर जो फोन कैमरा है होता है ना, बेशक आप उसे ऑन ना करें मगर उस कैमरे के जरिए आपकी सारी जानकारी लाइव ट्रांसमिट हो रही होगी कंट्रोल रूम में। यानी कि अगर मेरे फोन पर पेगासस लगा हुआ है तो बेशक मैं अपने फोन का कैमरा ऑन ना करूं, उस कैमरे के छेद के जरिए मेरी एक एक तस्वीर कंट्रोल रूम में जारी होगी जिन्होंने मेरे फोन को निशाना बनाया है। है ना बहुत खतरनाक बात। ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह लोकतंत्र पर हमला है या नहीं है। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया दोस्तों कि एनएसओ ने सऊदी अरब के साथ, इसराइली ग्रुप सऊदी अरब के साथ अपना जो समझौता उसे खत्म कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह शख्स जमाल खशोगी के फोन पर, उनके व्हाट्सएप पर निगरानी रख रही थी सऊदी सरकार। जी हां, सऊदी सरकार के शासक के साथ कल ही मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और दोनों ने यह फैसला किया था। क्या फैसला किया है? कि हम किसी भी देश को अपने आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवाल पूछना चाहिए था कि आपकी सरकार ने आखिर जमाल खशोगी को क्यों मरवाया, मगर यह सवाल कौन पूछेगा दोस्तों। तो जैसे ही जमाल खशोगी की हत्या होती है उसके तुरंत बाद एनएसओ सऊदी अरब के साथ अपना करार खत्म कर देता है। यह एक छोटी सी मिसाल है दोस्तों कि किस तरह से सरकारें इसका बेजा इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी की जान भी जा सकती है। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं दोस्तों, दो मिसालें। 1400 जिन पत्रकारों, दलित कार्यकर्ताओं या मानवाधिकारकर्ताओं के व्हाट्सएप पर निगाह थी, उनमें से सभी को व्हाट्सएप फोन करके बता चुका था कि आपके फोन पर निगरानी रखी जा रही थी। मुझे कोई फोन नहीं आया, लिहाजा मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम मेरे व्हाट्सएप पर सरकार का दखल नहीं था या उन अदृश्य एजेंसीज का दखल नहीं था। मगर मुझे याद है कि एक कवि हैं जो एक जमाने में एक पॉलिटिकल पार्टी में हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अभिसार, मैं आपको पूरी पुख्ता जानकारी दे रहा हूं कि आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है और आप जो भी बातचीत व्हाट्सएप पे करते हैं वो एक एक चीज कोई सुन रहा है। खैर, मगर मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि पिछले साल जुलाई और अगस्त में क्या हुआ था दोस्तों। जुलाई, अगस्त, सितंबर में भारत सरकार की जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो एक नहीं, दो नहीं, तीन पत्रकारों को बाकायदा उनकी गुप्तचरी कर रही थी। आपके होश फाख्ता हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, इन दो पत्रकारों पर गौर कीजिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी और रोहिणी सिंह। रोहिणी सिंह वो पत्रकार हैं जिन्होंने, आपको याद होगा, अमित शाह के बेटे जय शाह पर एक खबर की थी वायर मैगजीन, वायर डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। और खबर यह थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद ये दिन दोगुने रात चौगुने तरक्की करने लगे और कई गुना ज्यादा उनकी संपत्ति एक तरह से बढ़ गई। जी हां, उस खबर का नाम था द गोल्डन टच ऑफ जय शाह। आज मैं आपको बताना जा रहा हूं कि न सिर्फ प्रसून, रोहिणी, बल्कि मेरे पीछे भी बाकायदा इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपने लोग लगा रखे थे। और आज मैं आपको उससे जुड़ी हुई घटना पहली बार बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये महीना था जुलाई अगस्त का, ये वो दौर था जब मैंने एबीपी से इस्तीफा दे दिया था। अचानक एक दिन मैंने ये नोटिस किया कि एक ही कार मेरे पीछे लगातार तीसरी बार है, एक खान मार्केट में, एक नोएडा के 104 सेक्टर में और एक मयूर विहार में। वही कार, जम्मू कश्मीर जेएनके नंबर की वही कार। मगर फिर चौथी बार जो मेरे साथ होता है, मेरे होश उड़ जाते हैं, वो कार मेरे घर के पास खड़ी हुई थी। दोस्तों, उसके बाद मैं और मेरी पत्नी थाने गए और हमने शिकायत की और बाद में पता चला कि दरअसल इस कार का मालिक एक कश्मीरी मुस्लिम है, वो कश्मीरी मुस्लिम जिसके कई बिजनेस इंटरेस्ट जहां मैं रहता हूं वहीं आसपास हैं। बिजनेस इंटरेस्ट मतलब वो एक जिम में पार्टनर भी है,
इसके अलावा एक दुकान भी चलाता है। अब जब हम उसे पुलिस के पास ले गए तो इस शख्स का यह कहना था कि साहब इत्तेफाक हो सकता है। अब इत्तेफाक एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, चार चार या पांच पांच बार तो इत्तेफाक नहीं होता है। मगर फिर मैंने कुछ सोच के अपना केस वापस कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि अगर वाकई इत्तेफाक हुआ ये, तो आप जानते हैं कि हमारी पुलिस कश्मीरियों को किस तरह से परेशान करती है। मैं जानता हूं उसका जीना वो लोग मुहाल कर देते, मुश्किल कर देते। और फिर मैंने सोचा कि अगर इसे ब्लैकमेल किया गया है और उससे कहा गया है कि तुम जानबूझ के इसका पीछा करो, यानी कि एक संदेश दिया जा रहा था कि हम तुम पर निगाह रख रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मुझे संदेश दिया जा रहा था कि हम तुम पर निगाह रख रहे थे, क्योंकि एक तो यह मिसाल हुई। उसके एक महीने बाद मैं अपने बच्चों के साथ उड़ीसा जाता हूं। मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरी पत्नी और मेरे दो बच्चे। मैं अपने दो बच्चों के साथ उड़ीसा के जो पुरी में मंदिर है ना, जगन्नाथ मंदिर, मैं प्रवेश कर रहा हूं। एक हाथ में मेरा बेटा और दूसरे हाथ में मेरी बेटी। अचानक पीछे से कोई आता है और मेरा हाथ पकड़ता है और मुझसे कहता है, अरे अभिसार, आप यहां आ गए, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, भीड़ इतनी थी कि मैं उस आदमी से पलट के यह भी नहीं पूछ सका कि तुम कौन हो और क्या हो। मगर मेरे लौटने के बाद मेरे एक दोस्त का फोन मेरे पास आता है और वो दोस्त मुझसे क्या कहता है, मेरे होश उड़ जाते हैं। वो मुझे बताता है कि मैं मंदिर में कहां कहां गया था, मैंने कहां से प्रसाद लिया था, मंदिर से लौटने के बाद मैं किस होटल में गया था, और यह तमाम जानकारी मेरे उस दोस्त को, जो कि एक पत्रकार है, उसे आईबी ने बताई, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। और उसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के बंदे ने मेरे उस दोस्त को यह भी बताया कि न सिर्फ अभिसार बल्कि पुण्य प्रसून वाजपेयी पर भी निगाह रखी जा रही है। बात यह नहीं थमी दोस्तों। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी दोस्त रोहिणी सिंह ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मेरा पीछा करना बंद करो। यानी कि भारत सरकार अपने ही नागरिकों, अपने ही पत्रकारों की जासूसी करवा रही है। अब इस घटना को जोड़ के देखिए उस खबर से जो मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताई, यानी कि किस तरह से व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले 1400 लोगों के व्हाट्सएप पर निगरानी रखी जा रही थी एक इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए। और अब इसे जोड़िए तीसरी कड़ी से, किस तरह से जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई, क्योंकि उसके फोन में भी पेगासस स्पाईवेयर लगा हुआ था, उसकी सरकार भी जानती थी वो कहां कहां जा रहा है। आज यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर लोकतंत्र के साथ ये मजाक कैसा हो रहा है? क्या कोई जवाबदेही है? दोस्तों, बोल के लब आजाद है तेरे में आज का हमारा दूसरा विषय है राम मंदिर पर फैसला। और चूंकि हम नवंबर में प्रवेश कर रहे हैं और 17 नवंबर को चीफ जस्टिस गोगोई जो हैं वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले अदालत का फैसला आ सकता है, बहुत अहम फैसला है। और इससे पहले इन दो बयानों पर आपको गौर करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कुछ ही दिनों पहले कहा था कि जिस तरह से 2010 में तमाम विवादों के बावजूद जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, तब चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, सिविल सोसाइटी हो, तमाम धार्मिक जो गुट हैं उनके नुमाइंदे हों, उन सब ने जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय दिया था, जिसके चलते तनाव पैदा नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री का एक बयान, और अब आरएसएस की तरफ से एक बयान आया है, कल ही बयान आया दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा सभी पक्षों को इसे स्वीकार करना चाहिए खुले दिल के साथ। आप में से कई लोग ये सवाल कर रहे होंगे कि फैसला या तो राम मंदिर के पक्ष में आएगा या उसके खिलाफ आएगा। इस कार्यक्रम के जरिए दोस्तों मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उनके सियासी पहलुओं की बात करने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक दिशा निर्देश है। और यही नहीं, टेलीविजन को और ब्रॉडकास्ट मीडिया को, जो एक संस्था जिस निगरानी रखती है एनबीएसए, उनकी भी गाइडलाइंस हैं कि आप फैसले के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मगर दोनों ही सूरतों में, चाहे मंदिर के पक्ष में आए या ना आए, दोनों ही सूरतों में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लड्डू है। अगर पक्ष में आ गया तो पूरी तरह से एक आंदोलन चल जाएगा,
तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं वो एक तरह से धर्म संसदों में बदल जाएंगी, हर जगह जय श्री राम के नारे लगेंगे। और स्वाभाविक सी बात है, इस माहौल में किसी और को नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा। अब दूसरी सूरत में अगर उसके पक्ष में नहीं आता है तो आप जानते हैं फिर किस तरह का सांप्रदायिक उन्माद देश में फैलाने की कोशिश की जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी फैलाएगी, मगर इससे पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मॉब लिंच करने वाले नेताओं को सम्मानित किया है, अपराधियों को सम्मानित किया है, रेपिस्ट्स को सम्मानित किया है, उसके बाद से मेरे जहन में कोई भी शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे माहौल में जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय देगी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ इस बात की करनी होगी कि बहुत महीन सियासत खेलते हैं वो लोग। मसलन एनआरसी एक्ट और आर्टिकल 370 को हटाया जाना, इन दोनों ही सूरतों पर गौर कीजिए। नेशनल रजिस्ट्री फॉर सिटीजन्स असम में इसको लागू करने की कोशिश की गई, उसे लेकर ढेरों पेचीदगियां हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उसे भी हिंदू मुस्लिम बना दिया, क्योंकि खुद माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया था कि हम इस एक्ट से किसी हिंदू को, किसी जैनी को, किसी सिख को, और बाद में उन्होंने ईसाई को भी ऐड कर दिया, डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने मुसलमान का नाम नहीं लिया, जानबूझकर नहीं लिया। यहां तक कि महाराष्ट्र के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ये प्रोपेगेंडा कर रही थी कि मुंबई के बाहर हमने एक जगह को चिन्हित किया है, आइडेंटिफाई किया है, जहां तमाम अवैध अप्रवासियों को जो है रखा जाएगा, इलीगल माइग्रेंट्स को रखा जाएगा। तो देखा आपने एनआरसी का क्या खूबसूरती से इस्तेमाल किया इन्होंने। और इसी तरह से मैं कह रहा हूं, चाहे जो भी फैसला आएगा अदालत का, यह भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल करना जानती है। उसी तरह से आर्टिकल 370 की बात करें, दोस्तों आजाद भारत के इतिहास में कश्मीर मुद्दे का कभी भी इतना ज्यादा इंटरनेशनलाइजेशन नहीं हुआ। यूएस फॉरेन रिलेशंस कमिटी में इस पर चर्चा हो रही है, भारत से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। आपने यूरोपियन यूनियन के कुछ सांसदों को बुला लिया, मगर उन सबको क्या चीज बांधती है दोस्तों? उन सबको यह चीज बांधती है कि सबके बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग फासीवादी हैं, नाजीवादी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। इन तब में, इन सभी में यही समानता है, मगर ये लोग आए और इन्हें बहुत ही रहस्यमय तरीके से लाया गया। अब न जाने ये मोहतरमा कहां से आ गई, मादी शर्मा नाम है इनका, इनका क्या नाता है भारत सरकार से हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि विदेश मंत्रालय कह चुका है कि यूरोपियन यूनियन के ये जो सांसद लाए गए थे कश्मीर में, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। अब ये इंटरनेशनल ब्रोकर मादी शर्मा कहां से आ गई, किस तरह से, क्या लिंक है इनका, हम नहीं जानते। नीरा राडिया की यादें आ गई हमें यहां पर कि किस तरह से वो लॉबिस्ट यूपीए सरकार में दखल रखती थी। अब ये मादी शर्मा सामने आई, मगर इस मुद्दे पर मीडिया पूरी तरह से खामोश है दोस्तों। तो जो बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, कि बावजूद इस सब के, बावजूद इसके कि कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी स्थानीय तौर पर उसे बहुत जबरदस्त तरीके से अपने पक्ष में भुना लेती है, चाहे एनआरसी हो, कश्मीर हो, या फिर राम मंदिर। और राम मंदिर पर जो भी फैसला आए, यकीन मानिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि समाज को और बांटने की कोशिशें नहीं होंगी, कम से कम हमारे राजनेताओं द्वारा, चाहे वो हिंदू पक्ष हो, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो। तो बोल के लब आजाद है में बस इतना ही। ये दोनों मुद्दे जो मैं आपके साथ लाया हूं, दरअसल ये आपस में जुड़े भी हुए हैं, क्योंकि देखिए अगर राम मंदिर पर फैसला आने के बाद समाज में माहौल बिगड़ता है तो सरकार जनता पर इसी तरह से अंकुश डालेगी, इसी तरह से निगरानी रखेगी जैसे पेगासस के जरिए 1400 लोगों के व्हाट्सएप पर सरकार की निगरानी थी, कम से कम मेरा ऐसा मानना है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।